टल सकती है बोर्ड परीक्षाएं, एक दो दिन में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, कोरोना संक्रमण से बिगड़ते प्रदेश के हालातों को देखते हुए 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस संबंध में एक दो दिन में आदेश जारी करेगा। मौसम के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा की तैयारी पूरी है, परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं है। परीक्षा के संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है, शासन के आदेश के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मालूम हो कि 10वीं एवं 12वीं की कक्षा की प्रायोगिक परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होना है, वही मौसम की 10वीं कक्षा की परीक्षा है 30 अप्रैल एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा 1 मई से शुरू होना है। लेकिन कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, राव, मऊ, शाजापुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इंदौर शहर, राव, मऊ, शाजापुर शहर और उज्जैन शहर, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों में 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों में और जबलपुर शहर में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में परीक्षा स्थगित होना तय माना जा रहा है। ओपन बुक पैटर्न पर होगी नवी 11वीं की परीक्षा। जी हां दोस्तों, बता दें प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए नवी एवं 11वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा और 10वीं एवं 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय जिलों में लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न पर ली जाना है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए स्कूल से वितरित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें नवी कक्षा में छात्र 10 लाख हैं, 10वीं कक्षा में छात्र 11 लाख से अधिक है, 11वीं कक्षा में छात्र 4 लाख से अधिक है, 12वीं कक्षा में छात्र 8 लाख से अधिक हैं। 15 तक त्रुटि सुधार। जी हाँ दोस्तों, बता दें माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी एवं हाई सेकेंडरी वोकेशनल एंड अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सभी शासकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों को निर्देशित किया गया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए। मंडल द्वारा जारी ऑनलाइन प्रवेश पत्र में विषय या माध्यम की त्रुटि होने पर MP ऑनलाइन के पोर्टल पर 15 अप्रैल तक निर्धारित शुल्क जमा कर सुधार की सुविधा प्रदान की गई है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।